हेलो वीवर्स वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम रॉइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल होता है जो सेल में पाया जाता है और इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बॉडी भी कहते हैं इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ये एक स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यू में भी पाया जाता है एट टाइप सेवनटी एस टाइप इन प्रोकैरियोटिक इसका जो टाइप है सेवनटी एस टाइप वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है एंड इन यूकैरियोटिक इट मे बी एटी एस टाइप और यूकैरियोटिक में इसका एटी एस टाइप पाया जाता है इसके दो टाइप हैं सेवेंटी एस और एटी एस सेवनटी एस प्रो में और एटी एस यू में राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन राइबोसोम आर ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो राइबोसोम होता है एक ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ए मेम्ब्रेनस का मतलब इसमें मेम्ब्रेन अपसेंट होती है विच आर मेनली प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर या तो प्रेजेंट होता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है इसका साइज़ वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी एंगल स्ट्रोंग तक का होता है इट इज़ प्रजेंट इन बोथ प्रो कैरियोटिक सेल एंड यू कैरियोटिक सेल ये प्रो कैरियोटिक सेल में भी प्रजेंट होता है और यू क्योरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है बट टाइप इज डिफरेंट बट इसके जो टाइप है वो दोनों में अलग अलग होता है प्रो कैरियोटिक में सेवेंटी एस टाइप का राइबोसोम होता है बट यू कैरियोटिक में एटी एस टाइप का राइबोसोम प्रजेंट होता है आर इन प्लांट सेल प्लांट सेल में राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय रॉबिसन एंड ब्राउन प्लांट राइबोसोम को रॉबिसन एंड ब्राउन ने डिस्कवर किया था एंड इन प्लांट सेल सॉरी एनिमल सेल जो राइबोसोम uh, था उसे रॉबिसन एंड ब्राउन ने डिस्कवर किया था बट इन इन एनिमल सेल एनिमल सेल में इसे पैलाड़े ने डिस्कवर किया था टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन को एफिशियंट राइबोसोम आर टू टाइप्स राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं एक होता है आपका सेवनटी एस और दूसरा होता है एट्टी एस तो हम पहला पढ़ेंगे सेवनटी एस सेवनटी एस दो यूनिट से मिलकर बनता है फिफ्टी एस एंड थर्टी एस जो फिफ्टी एस होती है वो ट्वेंटी थ्री एस आर एन ए से और फि फाइव एस आर एन ए से यहाँ आप देखेंगे आर आर एन ए और आर आर एन ए और जो थर्टी यूनिट होती है वो सिक्सटीन एस आर एन ए से बनती है इसी तरह एटी एस की जो यूनिट है वो सिक्सटी एस और फोर्टी एस से मिलकर बनती है जो सिक्सटी एस होती है वो ट्वेंटी एट एस आर एन ए से और फिफ्टी एट एस आर एन ए से बनती है और जो फोटी एस की होती है वो ओनली फिफ्टी एस आर एन ए से बनती है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ आर आर आने आर आर एन ए और यहाँ पर भी आर आर एन ए है बट यहाँ पर आर आर एन ए नहीं होता ओनली आर एन ए होता है मोलिकुलर वेट सेवनटी एस टाइप का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो टू पॉइंट सेवन इंटू टेन की पावर सिक्स डेल्टन होता है इसी तरह ए एस का फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स डेल्टन होता है इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है कि मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है तो सेवनटी एस टाइप का जो होता है वो सिक्सटी एस आर एन ए से और फोर्टी परसेंट प्रोटीन से मिलकर बनता है इसी तरह जो एटी एस टाइप का होता है वो फोर्टी परसेंट आर एन ए से और सिक्सटी परसेंट प्रोटीन से मिलकर बनता है ये सेवेंटी एस राइबोसोम का डायग्राम है आप देख सकते हैं मैंने बताया ये दो यूनिट से मिलकर बनता है फिफ्टी एस और थर्टी एस तो थर्टी एस और फिफ्टी एस और इसमें ये एम जी टू प्लस आयस होते हैं सेवेंटी एस राइबोसोम का है और यहाँ ये एट्टी एस का ये भी दो यूनिट से मिलकर बनता है फोर्टी एस एंड सिक्सटी एस फंक्शन इट्स मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस का मेन फंक्शन यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जिस समय ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है मैनी राइबोसोम आर अटैच विथ एम आर एन ए तब बहुत सारे जो राइबोसोम होते हैं वो एम आर एन ए से अटैच हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलीसोम कहते हैं यहाँ आप देखेंगे ये एम आर एन ए है और ये राइबोसोम है ये पूरी लाइन जो मैंने बनाई है ये एम आर एन ए की लाइन है और इस पर बहुत सारे राइबोसोम हैं जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है तो बहुत सारे मैनी राइबोसोम जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं एम आर एन ए के साथ और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थैंक यू